नमस्कार दृष्टि आईएएस के टुडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से प्रश्न था हाल ही में यैर लेपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल इराक सोमालिया या फिर जॉर्डन इसका सही जवाब ऑप्शन ए इजराइल 23 जुलाई को यैर लेपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने उन्होंने पीएम نفتالی बेनेट का स्थान लिया है उन्होंने नवंबर में होने वाले इसराइल के आम चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली है बता दें कि नवंबर 2022 में होने वाला आम चुनाव चार साल से भी कम समय में होने वाला इसराइल का पांचवा चुनाव होगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए इजराइल अगला प्रश्न है हाल ही में जे एफ सेवनटीन एफ ए फिफ्टी और याक वन थर्टी जैसे शब्द चर्चा में रहे ये संबंधित है लड़ाकू जेट विमान जीन एडिटिंग तकनीक या फिर रॉकेट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन ए लड़ाकू जेट विमान हाल ही में भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया की पहली पसंद बनकर सामने आया है दरअसल मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है चीन के जे एफ जेट दक्षिण कोरिया के एफ ए और रूस के मिग 35 के साथ साथ याक 130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान को पसंद किया है बता दें कि तेजस हिंदुस्तान लिमिटेड यानी एरो द्वारा निर्मित एकल इंजन युक्त मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लड़ाकू जेट विमान अगला प्रश्न है रैट लंग क्या है धान के खेतों में फफूंद रोग मैनजाइटिस पैदा करने वाला एक परजीवी कॉन्गो में एक वायरल रोग या फिर टिड्डी की एक नई प्रजाति इसका सही जवाब ऑप्शन बी मैनेजाइटिस पैदा करने वाला एक परजीवी हाल ही में पॉस्को काउंटी फ्लोरिडा में एक विशाल अफ्रीकी घोंगा यानी जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल पाया गया है जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है यह रेड लंग वार्म के वाहक के तौर पर जाना जाता है इसे मनुष्यों में मैनेंजाइटिस का कारण माना जाता है इसलिए विकल्प भी सही है बात कर लेते हैं विशाल अफ्रीकी घोंगे के बारे में यह एक प्रमुख कृषि कीट यानी एग्रीकल्चरल पेस्ट है यह 500 से अधिक प्रकार के पौधों को खा सकता है यह तीव्र गति से प्रजनन करता है और एक वर्ष में लगभग 2500 से अधिक अंडे दे सकता है बता दे कि सोलह में पहली बार इसका पता चला था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी पैदा करने वाला एक परजीवी। अगला प्रश्न है। हाल ही में चाबा शब्द चर्चा में रहा यह किससे संबंधित है नामीबिया में एक जनजाति बांस की एक नई प्रजाति की एक नई प्रजाति या फिर एक टाइफून इसका सही जवाब ऑप्शन डी एक टाइफून हाल ही में चीन में साल का पहला टाइफून चाबा चीन के दक्षिणी तट पर आंधी और बारिश लेकर आया इसलिए विकल्प डी सही है टाइफून चाबा का नाम हिबिस्कस फूल के लिए थाई नाम से लिया गया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी एक टाइफून अगला प्रश्न है वरोआ माइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक है एक परजीवी कीट है जो मकड़ियों पर हमला करता है दो इसका पहली बार अमेरिका में उन्नीस में पता चला था उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने संभावित विनाशकारी प्लेग परजीवी वरोआ माइट को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को नष्ट कर दिया वरोआ माइट या वरोआ डिस्ट्रक्टर एक परजीवी कीट है जो मधुमक्खियों पर हमला करता है अतः कथन एक गलत है यह पहली बार अमेरिका में उन्नीस में खोजा गया था इसलिए कथन दो सही है लाल भूरे रंग के छोटे माइट कीट मधुमक्खियों में में लगने वाले कीटों में सबसे घातक होते हैं इससे मधुमक्खियों का विकास रुक जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल दो अगला प्रश्न है मंदिरों का माहूली समूह किस राज्य से संबंधित है कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात या फिर राजस्थान इसका सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण यानी एन संस्कृति मंत्रालय को माहुली समूह के मंदिरों के व्यापक विकास पर रिपोर्ट सौंपेगा ग्यारहवीं और बारहवीं सदी से संबंधित पांच मंदिरों के इस प्रसिद्ध समूह को दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है ये मंदिर वास्तुकला की हेमाट पंथी शैली में निर्मित है ये मंदिर कृष्णा नदी के तट पर महाराष्ट्र में सतारा के नजदीक स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र अगला प्रश्न है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना भारतीयों को विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक वर्ष में दस लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति देता है दो यह अधिनियम विदेश मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफ से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है अब यह संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बिना भारतीयों को विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक वर्ष में दस लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति देता है पहले यह सीमा एक लाख रुपए थी अतः कथन एक सही है संशोधित नियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक राशि होने पर सरकार को सूचित करने के लिए अब नब्बे दिनों का समय होगा एफ विदेशी दान यानी डोनेशन को नियंत्रित करता है यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान से आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े इसका क्रियान्वयन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है इसलिए कथन दो गलत है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्न है विश्व यूएफओ यानी अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस मनाया जाता है एक जुलाई दो जुलाई तीन जुलाई या फिर चार जुलाई इसका सही जवाब ऑप्शन बी दो जुलाई विश्व यूएफओ दिवस हर साल दो जुलाई को अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इस दिन को उन्नीस में हुई प्रसिद्ध रोसवेल घटना एक कथित यूएफओ दुर्घटना के बाद चिन्हित किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 2 जुलाई अगला प्रश्न है त्रिपोली और टोब्रुक निम्नलिखित में से किस देश के प्रमुख शहर हैं? मिस्र मोरक्को लीबिया या फिर इथियोपिया इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लीबिया हाल ही में लीबिया में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी त्रिपोली और लीबिया के अन्य शहरों की सड़कों पर जुलूस निकाला इसमें कई लोगों ने पूर्वी शहर ट्रोबुक में संसद भवन सहित सरकारी इमारतों पर हमला किया तेल समृद्ध लीबिया में 2011 से ही सत्ता में बने आ रहे कर्नल गद्दाफी को हटाने के बाद से उथल पुथल बनी हुई है बता दें कि लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित देश है इसका अधिकांश हिस्सा सहारा रेगिस्तान में स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लीबिया अगला प्रश्न है ऑपरेशन नार्कोस है रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान जहाजों के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान हवाई मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब ऑप्शन ए रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ ने भारतीय रेलवे के माध्यम से नारकोटिक्स उत्पादों को ले जाने वाले वाहक या ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ऑपरेशन नारकोस नामक कोड के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान जून 2022 महीने में प्रारंभ किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान अंतिम प्रश्न है नाइट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिय है यह क्लोरोफिल अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है यह मुख्य रूप से भू जल से प्राप्त होता है या फिर इसे जड़ों द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में अवशोषित किया जाता है इसका सही जवाब ऑप्शन बी यह क्लोरोफिल अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नया मार्ग खोजा है जो पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है नाइट्रोजन पौधे के विकास के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है यह क्लोरोफिल अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है इसलिए विकल्प भी सही है यह ज्यादातर मिट्टी से प्राप्त होता है और यह मुख्य रूप से जड़ों द्वारा नाइट्रेट्स और अमोनियम के रूप में अवशोषित होता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी यह है क्लोरोफिल अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का एक हिस्सा है आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा नागपुर बेंगलुरु जयपुर या फिर नई दिल्ली इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड